भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से अंतरजातीय विवाह का मामला सामने आया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि नूरपुर निवासी राजू शाह के 24 वर्षीय पुत्र बादल कुमार और झारखंड के बोकारो निवासी सोनम शर्मा के बीच विगत 4 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब लड़के की शादी की बात आई तो वह भागकर अपने प्रेमी के घर चले गए, जहां दोनों का हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतर जातीय विवाह संपन्न कराया गया। मामले को लेकर वर वधु ने बताया कि 4 महीने पूर्व करेला स्थित किसी रिश्तेदार की शादी में सोनम भी पहुंची थी। इस दौरान उसकी बादल से मुलाकात हुई और दोनों के बीच पहले सोशल मीडिया पर बातचीत बढ़ी और फिर प्रेम प्रसंग। लड़की ने बताया कि 2 दिन पूर्व में ही उन्होंने शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से पंचों की मौजूदगी से विधिवत विवाह को संपन्न कराया गया। लड़का लड़की दोनों शादी से काफी खुश हैं। वहीं लड़की के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री घर से फरार हो गई थी, जिसके लिए वो काफी चिंतित थे। बाद में जानकारी मिली कि वो नाथनगर के नूरपुर पहुंच गई है। पूरी हकीकत पता करने पर मालूम हुआ कि उसने अपनी प्रेमी के संग शादी रचा ली है। शादी से पिता नाखुश थे, हालांकि बाद में परिजनों द्वारा समझाने पर उन्हें यह एहसास हुआ कि दोनों कानूनन बालिग हैं, जिसके तहत उन्होंने इस शादी की रजामंदी दे दी। लड़की ने भी कहा कि वह बादल के साथ खुश रहेगी। बता दें कि बादल को सांप पकड़ने का काफी शौक है और वह रेस्क्यू कर उसे वन विभाग को देता है। उसने बताया कि पार्ट टाइम के लिए वह ट्यूशन भी पढ़ाता है, लेकिन बचपन से ही उसे सांपों के प्रति लगाव रहा है और वह उसे काफी लंबे समय से रेस्क्यू करता रहा है। विवाह के दौरान उप सरपंच दीपक सिन्हा, पंच ममता देवी सहित कई पंच मौजूद रहे। कैसे मिले जुले आप? शादी में मिले थे। अच्छा, उसके बाद फिर फोन पे बात होने लगा और उसके बाद आप शादी कर ली। शादी कब किए थे आप लोग? 2 तारीख। आज फिर? आज फिर सबके सामने किया। अच्छा लग रहा है। प्रेम विवाह? ये प्रेम विवाह है। कैसे मुलाकात हुई थी आप? शादी में मिले थे। और उसके बाद? उसके बाद प्यार का परवान चढ़ा। बस ये हमको पसंद करती थी, हम भी पसंद करते थे। आज शादी कर ली? शादी 2 तारीख को ही किए थे, और ये गांव वाले के सामने। जैसे अभी हम बच्चे पढ़ाते हैं, मेरा दुकान है और पढ़ते भी हैं, और स्नेक भी रेस्क्यू करते हैं। बुधवार को जन अधिकार पार्टी द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बिहार में हो रहे शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर भागलपुर समाहरणालय के समक्ष पार्टी के बैनर तले महाधरना दिया गया, जिसमें पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के दर्जनों नेताओं के साथ छात्र परिषद के सभी नेता मौजूद रहे। वहां उपस्थित नेताओं ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ घंटों बैठ जोरदार नारेबाजी की। जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत, जाप के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव और युवा शक्ति के प्रदेश महासचिव राजकुमार यादव ने कहा, यदि डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाती है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने का काम करे। ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए जो बिहार के छात्र विरोधी कार्य करे। आज बिहार के युवा छात्र सरकारी नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री देश भर में अपना चेहरा चमकाने के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कराना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डोमिसाइल नीति को लेकर के जो लागू करना चाहिए बिहार में, देश के कई राज्यों में ये नीति लागू है। आज झारखंड में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बिहार में ऐसा नीति क्यों नहीं लागू होता है? क्यों बाहर के लोग यहाँ फॉर्म भरेंगे? क्या अपने बिहार में शिक्षक नहीं हो सकते हैं? क्या यहाँ सिर्फ मजदूर पैदा करने के लिए ये बिहार बना है? जब यहाँ से मजदूर पैदा होता है तो शिक्षक भी यहीं से बनेंगे। ये डोमिसाइल नीति आप लागू कीजिए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत जोरदार होगा। धरना है, धरना का उद्देश्य है डोमिसाइल नीति। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति है, हम वहाँ जाके शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मगर जब हमारे बिहार की बारी आती है, बिहार के युवाओं की बारी आती है, यहाँ हम डोमिसाइल नीति नहीं लागू करते हैं और पूरे देश के लोग यहाँ शिक्षक बन सकते हैं। जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू से मीडिया के माध्यम से पूछा गया, चंद्रशेखर बाबू का बयान आता है कि हमको जो है क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए, तो चंद्रशेखर बाबू सबसे पहले ये तय करें कि बिहार में क्वालिटी की कमी है। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार देता है। बिहार में छात्रों का दमन हो रहा है, मीडिया का दमन हो रहा है। अगर सोशल मीडिया ना रहे तो यहाँ जो है अंग्रेजों वाली नीति अपना रही है। KK पाठक जी को लाके बैठा दिया गया है। रोज़ नया नया जो है कानून बन रहा है। इस व्यवस्था में जब छात्र आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते हैं और मीडिया कुछ साथ देती है, तो दोनों पे प्रतिबंध लगता है। यही कारण है कि आज देश की मीडिया जो है ना 160वें पौदान पे चली गई है।
बहुजन शक्ति पार्टी रामविलास के भागलपुर शाखा के द्वारा आज रामविलास पासवान का जन्मदिन भागलपुर के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा के आवास पर केक काटकर काफी हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया गया। वहीं रामविलास पासवान के जन्मदिन कार्यक्रम के भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष एवं कई प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस जन्म दिवस कार्यक्रम के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा, हम लोग इनके जन्म दिवस को काफी धूमधाम से मना रहे हैं, साथ ही हम लोगों का पूरा ध्यान 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर आगे बढ़ रही है और इसे हम लोग साकार करके रहेंगे। साथ ही बिहार के वर्तमान सरकार को कोसते हुए कहा कि हम लोग फिर से बिहार को जंगल राज नहीं बनने देंगे, हम लोग नया बिहार बनाएंगे जहां विकास ही विकास होगा। 77वां उनका जन्म दिवस जो हम मना रहे हैं वो उनके जाने के उपरांत इसीलिए मनाया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी रूप में उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी कई ऐसे हजारों नौजवान और अभिभावक मिलते हैं जिन जो खुद बताते हैं कि किस तरीके से रामविलास पासवान जी ने उनको रोज़गार देने का काम किया, किस तरीके से रेलवे में और अन्य संस्थाओं में उन्होंने भर्ती में उनको सहयोग करने का काम किया। तो उनको भुलाया जा सके यह संभव नहीं है। देश का दूसरा अंबेडकर उनको माना गया, ऐसे हमारे संस्थापक और हम लोगों के धरोहर। आज उनके जन्मोत्सव पर हम लोग सब केक काटकर और जो भी दलित बस्ती है वहाँ पर जाकर हम लोग उनके बीच भी कपड़ा और मिठाई वितरण का काम करने का काम करेंगे। वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संस्थापक महोदय के द्वारा गरीब दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक के लड़ाई लड़ते रहे थे, जो काम अधूरा बचा है निश्चित रूप से हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे पूरा करेंगे। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय किसी न किसी बात को लेकर विवादों में घिरा रहता है। वहीं छात्रों और प्रबंधन के बीच आपसी समन्वय नहीं होने से तनावपूर्ण और कलह की स्थिति बनी रहती है। दरअसल बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर AISA के कार्यकर्ता ने बताया कि राज्य भर में नई शिक्षा नीति के खिलाफ 2 दिवसीय भूख हड़ताल किया जा रहा है। भागलपुर विश्वविद्यालय में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत भागलपुर विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी पैट के रिजल्ट को जारी करने में प्रबंधन पर गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जब छात्र छात्राएं रिजल्ट की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय कर्मी से मिलते हैं तो कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं करता। छात्रों की फीस वृद्धि को भी हटाने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने VC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन कर रहे ISA कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 17 जुलाई को राजभवन तक मार्च करने की चेतावनी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को दी है। हम लोग का 4-5 पूरे बिहार में ISA का राजव्यापी 2 दिवसीय भूख हड़ताल, नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी वापस लो, CBCS वापस लो, फीस वृद्धि जो स्नातक में व्यवस्था 5 गुना कर दिया गया है उसको वापस लेने के लिए हम लोग का 2 दिवसीय भूख हड़ताल है। और विश्वविद्यालय में जो जरूरत वाली चीज़ है, मांग है, जो विश्वविद्यालय में पर्याप्त भ्रष्टाचार है, विश्वविद्यालय में छात्रों की जो समस्या है उसको लेकर हम लोग का 2 दिवसीय पूरे बिहार में हर एक विश्वविद्यालय में छात्र की समस्या से जूझ रहा है, उसको लेकर हम लोग 2 दिवसीय का भूख हड़ताल है। बिहार की मौजूदा राजनीति पर BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में कहा कि तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, कुछ इसी तरह का मजमून लिए प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे। पहले तो बिहार के ब्रेन ड्रेन पर चर्चा की, जिसमें आगामी 13 जुलाई को पटना में शिक्षक आंदोलन को लेकर राजभवन मार्च का ऐलान किया। बताया कि बिहार के बच्चे और शिक्षक बाहर जाकर पढ़ते हैं और काबिल शिक्षक की तलाश में नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। उस बाबत आंदोलन कर रहे शिक्षकों और युवाओं को पटना पहुंचने का ऐलान किया।
वहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में पलटने के सवाल पर कहा कि अब कोई चांस ही नहीं है। नीतीश जी के अच्छे काम के साथ जरूर है, लेकिन अब दरिया में चाबी फेंक दी गई है। एकदम जदयू से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं होने वाला। अमित शाह जी ने कहा है कि एक नहीं अनेक बार कहा, और जदयू बीजेपी के रिश्ते की जो को हम लोगों ने लॉक कर दिया है और चाबी गंगा जी में फेंक दी है, फिर खुलने वाला नहीं है। जदयू आना भी चाहे तो हम लेंगे नहीं, और ऐसा कोई चर्चा विचार चल भी नहीं रहा। ये ऐसे ही लोग कह रहे हैं, अब दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। भागलपुर के ढोलबज्जा थाना की पुलिस ने बुधवार को थाना क्षेत्र के लूरीदास टोला से हाई स्कूल जाने वाली सड़कों पर वाहन चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार तीन शराब कारोबारियों को 87 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों धंधेबाज में एक पूर्णिया जिले के मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के लालगंज गांव निवासी भगवान भगत के पुत्र हरिलाल भगत, दो ढोलबाजा थाना क्षेत्र के लूरीदास टोला निवासी लालू भगत के पुत्र गौतम कुमार और ढोलबाजा बाजार निवासी रामानंद मंडल के पुत्र संतोष कुमार मंडल हैं। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों शराब कारोबारियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।